बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको मैडम नूरजहाँ के कुछ ऐसे राजों से आगाह करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैडम नूरजहाँ की रूहानी शख्सियत को कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। वो खुद को ऐसे ही मलाम करती रहती थीं कि उन्होंने गानों और गुनाहों का कभी हिसाब नहीं किया। वो जैसी दिखती थीं, गाने बजाने और नाचने वाली, इनका दिल बिल्कुल इसके बरअक्स था। वो कुशादा दिल और नरम दिल थी, गरीबों की हमेशा मदद करती रहती थी। आगे वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैडम नूरजहाँ शाम के वक्त रमज़ान अल मुबारक में अपने ड्राइवर के साथ नोटों का बैग लेकर कहां जाती थी। वो नेक काम करती थी लेकिन उन्हें राज रखती थी, किसी के सामने दिखावा नहीं करती थी। लेकिन इनकी बेटी ने इनके राजों को राज नहीं रहने दिया और एक इंटरव्यू में सब कुछ बता दिया। मैडम नूरजहाँ की बेटी ने बताया कि मैडम नूरजहाँ रमज़ान अल मुबारक के महीना में हर शाम बुरका पहनकर नोटों का बैग भर के हर गरीब के घर घर जाती और उसकी माली मदद भी करती और उनके मसाइल भी हल करती। और मैडम नूरजहाँ के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैडम नूरजहाँ ने बहुत से लोगों को हज और उम्रा भी कराया है। मैडम नूरजहाँ इन नेक कामों को राज इसलिए रखती थी, वो कहती थी अगर मैं इन नेक कामों के बारे में सब कुछ बताती तो ये एक दिखावा होता और मेरी नेकी ज़ाय हो जाती। इनकी बेटी ने भी तब बताया जब कुछ लोगों ने मैडम नूरजहाँ के खिलाफ बुरा भला कहना शुरू कर दिया था तो मैडम नूरजहाँ की बेटी ने मैडम नूरजहाँ की बुराई को बर्दाश्त नहीं किया और सब कुछ बता दिया और उनको खामोश कर दिया जो मैडम नूरजहाँ के बारे में बुरा भला कहते थे। मैडम नूरजहाँ एक आला शख्सियत और काबिल तारीफ़ हैं। आज तक पूरी दुनिया में मैडम नूरजहाँ जैसी नेक दिल ना ही कोई गुलकारा आई और ना ही कोई अदाकारा आई। अगर कोई अदाकारा नेक काम करती है या कोई पैसे गरीबों को देती है तो इसमें दिखावा ज़रूर करती है। आपको मैडम नूरजहाँ की इस रहम दिली के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करना।